आज वो नहीं है यश जो आपके साथ था? नहीं वो नहीं है यार, वो कहीं बाहर जाके है वो। तो आगे की क्लास कैसे कंटिन्यू करेंगे? सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा मैक्रो को, किसी भी एनवायरनमेंट के मैक्रो को देखने से पहले कि उसकी प्रोग्रामिंग लॉजिक्स क्या है। ठीक है जी, ये फाइल को आपको मैंने भेजी है, इसको आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, आमतौर पर मैं ये पहले पढ़ने के लिए देता हूँ, बाद में इसको स्टार्ट कराता हूँ, पर मैं अभी जो बता रहा हूँ आपको इसका उसका कनेक्शन साथ में बताता चला जाऊंगा। ओके तो सबसे पहली चीज आती है इसमें, ये कुछ निशान है, इनको ध्यान में रखना। कि सबसे पहले होता है हमारे पास स्टार्ट एंड स्टॉप, ये वाला ओवल का साइन। देन होता है प्रोसेस, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, तो ये प्रोग्रामिंग के मेन पार्ट है। तो प्रोसेस इनपुट के लिए तिरछा रेक्टेंगल होता है, देन ये डिसीजन के लिए जहां इफ का फॉर्मूला लगाते हैं ना, जैसे हम कि हाँ ट्रू हो तो ये, तो वो डिसीजन बॉक्स के थ्रू किया जाता है। ठीक है जी, बाकी फिर डिस्प्ले और आउटपुट, आउटपुट किससे होता है। ठीक है जी, तो मेन इतने ही है, स्टार्ट और स्टॉप का इससे हो जाता है, प्रोसेस इनपुट डिसीजन और आउटपुट। इसके अलावा जो होते हैं कनेक्टर्स होते हैं, फ्लो लाइन, ये लाइन जिस दिशा में चलेगी, जैसे स्टार्ट के बाद नीचे की तरफ चलेगी तो मतलब हमें वैसे जाना है। मान लो डिसीजन में दो लाइनें निकलेंगी, एक इधर निकलेगी, एक यस में निकलेगी, एक नो में निकलेगी। ठीक है जी, एंड में सारी चीज जाके एंड पे ही आके रुकती है इसी साइन पे, मतलब ये नीचे एक ऐसा साइन है, एक और होता है। ठीक है, ये जो है ये कनेक्टर है, कनेक्टर उसको बेशक ना देखें तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कनेक्टर जब आएंगे तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। ऑन पेज कनेक्टर होता है, ऑफ पेज कनेक्टर होता है, इसका वैसे बीबीए वगैरह में कोई लेना देना नहीं, बट इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको मैं बता दूंगा। आगे चलते हैं, तो मेन हमारा हो गया स्टार्ट स्टॉप, प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल, तिरछा रेक्टेंगल, इनपुट के लिए, डिसीजन के लिए ये, एंड डिस्प्ले के लिए, आउटपुट के लिए। ठीक है जी, एंड फ्लो लाइंस या कनेक्टर। आगे चलते हैं, बताइए ये कौन सा है? ये वाला इफ टाइप कमांड के लिए। डिसीजन के लिए, ये वाला ये प्रोसेस के लिए। ये करे, ये वाला इनपुट के लिए है। हाँ जी, ये आपका स्टार्ट एंड है। ठीक है जी, और हाँ ये जो है आपका आउटपुट है। आउटपुट यार। आगे चलते हैं, अब एक पहला प्रोग्रामिंग को समझने के लिए इसको समझते हैं कि थोड़ा सा कि किस तरह से प्रोग्राम किया जाता है। तो कोई इंस्टीट्यूट है IICP जिसमें कोई स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है, हालांकि प्रोसेस तो बहुत सारे होते हैं, पर एक छोटे से हम प्रोसेस को इसमें फ्लो चार्ट्स में प्रोग्राम में उतारते हैं। सबसे पहले क्या चलेगा? स्टार्ट, फ्लो लाइन नीचे गई। अब यहाँ पे प्रोसेस है कि स्टूडेंट जो है इंस्टीट्यूट गया। ठीक है जी, प्रोसेस कुछ काम हुआ जहाँ पे। ठीक है जी, देन फिल्स द इंक्वायरी फॉर्म। अब यहाँ पे इनपुट है क्योंकि सेंटर को उसने कुछ इंफॉर्मेशन दी, यानी इनपुट की। ठीक है जी, फिर उनका प्रोसेस हुआ कि टेस्ट हुआ। अब यहाँ टेस्ट में इंफॉर्मेशन इनपुट नहीं कर रहा है, वो एक प्रोसेस है जिसके बेस पर सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो एक प्रोसेस हुआ, फिर उसकी काउंसलिंग हुई, ये भी प्रोसेस था। फिल्स द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अब फिल्स द रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये इनपुट आया। देन फिर प्रोसेस आया, फीस भरी गई, एंड आउटपुट क्या निकला उसका? ज्वाइन द कोर्स एंड गेट्स द स्टूडेंट के स्टॉप। ठीक है जी, तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था कि इनपुट आउटपुट प्रोसेस इन सबको कैसे यूज करना है, थोड़ा थोड़ा सा। अभी ये हल्का फुल्का आपके समझ में भी आया हो या ना भी आया हो। दूसरा देखते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, यहाँ पे क्या है,
दो नंबर को ऐड करने का सॉफ्टवेयर बनाना है। देखिए जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं ना, प्रोग्राम का मतलब है कि हम एक तरह से फॉर्मूला डिजाइन कर रहे हैं, हमें वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, वैल्यू कुछ भी डलती रहे। हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि जो दो नंबर को सम करेगा, यूजर जो दो नंबर देगा उनको सम करेगा। तो इसमें क्या होगा, पहले स्टार्ट होगा गेट द फर्स्ट नंबर, ये इनपुट है, यूजर से पहला नंबर लीजिए, ठीक है जी, यूजर देगा पहला नंबर तो इनपुट हुआ, दूसरा नंबर दिया ये भी इनपुट हुआ, अब दो नंबर को जोड़ा गया एड द टू नंबर, तो ये क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। उसने फिर आउटपुट में क्या दिखाया, रिजल्ट दिखाया दो नंबर को जोड़, ठीक है जी, एंड स्टॉप, ठीक है जी। इसमें इनपुट का क्लियर हुआ, इनपुट प्रोसेस आज, आउटपुट का मॉडल थोड़ा सा क्लियर हुआ आपको, या अब इसी तरह से पांच नंबर को जोड़ने का, स्टार्ट एक्सेप्ट फर्स्ट नंबर एक्सेप्ट सेकंड नंबर, तो ये इनपुट चल रहे हैं, पांचों नंबर एक्सेप्ट कराएगा यूजर से इनपुट, प्रोसेस क्या हुआ, पांचों नंबर को जोड़ा गया और डिस्प्ले द सम आउटपुट में चला गया, ठीक है जी। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट, आगे चलते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ टू एंड ए स्पेसिफाइड नंबर, स्टार्ट हुआ इनपुट ए नंबर, एक नंबर एंटर किया गया यूजर से इनपुट में, प्रोसेस में मल्टीप्लाई नंबर बाय टू, ठीक है, जो भी नंबर डाला उसे दो से मल्टीप्लाई कर दिया प्रोसेस, डिस्प्ले द रिजल्ट। ये दो इसमें प्रोसेस में क्या है कि ये दो जो है ना फिक्स है, कोई भी नंबर डालेगा तो दो से मल्टीप्लाई करेगा, ये प्रोग्राम ही इसीलिए है, ठीक है जी, इसीलिए यहां इनपुट की जरूरत नहीं, इनपुट खाली दूसरा नंबर होगा क्योंकि ये हम फॉर्मूले डिजाइन कर रहे हैं। अब एक चीज होती है इसमें, जिस तरह एक्सेल की हम सेल में लिखते हैं सर, यहां पे जैसे हम कुछ भी लिखते हैं तो इसको, इसका नाम क्या है, इस सेल का नाम होता है C4, ठीक है जी, और ये जो वैल्यू वाली है ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है जी, इसमें कुछ भी हम डाल सकते हैं बट इसका नाम नहीं चेंज होता, C4 है तो C4 ही रहेगा, ठीक है जी। इसको कहते हैं वेरिएबल इस सिस्टम को, क्योंकि एक्सेल में वो आपके VBA में कोई अलग से शीट तो होती नहीं, कोई शीट दिखाई तो नहीं दे रही, पर आपको वैल्यू कहीं ना कहीं तो स्टोर करानी, कुछ इंफॉर्मेशन आपको लेके चलनी है। जैसे हमने कहा कि ये जो दो था, जो दो हमने ले रखा था ऊपर वाले प्रोग्राम में, ये कहाँ ले रखा था, कहीं तो दिखाना पड़ेगा, कोई तो कैरी करेगा इसे, तो ऐसे सिस्टम के लिए इसमें होता है वेरिएबल सिस्टम। वेरिएबल क्या करते हैं, कुछ ऐसी हेडिंग्स हम इसमें बना देते हैं जो कि वैल्यू स्टोर करके रखते हैं, ठीक है जी, जैसे C4 है, इसमें टाइम टाइम पे वैल्यू चेंज भी करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो वेरिएबल सिस्टम है, इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दो चीजें होती हैं, ये जो नाम मैं डाल रहा हूं इसको कहेंगे कांस्टेंट और इसके नाम को कहेंगे, इसके हेडिंग को कहेंगे वेरिएबल। तो वेरिएबल कांस्टेंट दो चीजें होती हैं। अब देखिए कि इसमें से पहचानिए कि वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है। एज क्या होगा आपके हिसाब से, एज वेरिएबल होगा, हाँ, एड्रेस वेरिएबल होगा, हाँ, 21 वेरिएबल होगा, नहीं सर ये कांस्टेंट होगा, 21 कोई हेडिंग नहीं है ना, अच्छा अच्छा सॉरी, हाँ कांस्टेंट होगा, हाँ, और ये 10 किंग्सवे कैंप कांस्टेंट होगा, हाँ जी, हेनरी कांस्टेंट होगा, और नेम, नेम कांस्टेंट होगा, वेरिएबल, नेम वेरिएबल, नेम वेरिएबल होगा, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि वेरिएबल क्या है कांस्टेंट क्या है, ठीक है जी। या ये देखिए,
मतलब ये प्रोनाउन जैसी चीज है कि एक ही से सबको, एज मतलब एज 21 भी होगी 22 भी होगी, यूजर कुछ भी डाले, एड्रेस भी इसी तरह कुछ भी डाले, है जी, मतलब जैसे फील्ड की हेडिंग दे देते हैं ना, तो वो वेरिएबल हो जाती है, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट। इसमें भी दो तरह की चीजें होती है सर, वेरिएबल में हमारी दो तरह की वैरायटी आती है, अभी दो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वैसे आगे आपकी 10-12 भी आ जाएगी, कैरेक्टर और न्यूमेरिक। कैरेक्टर कौन से हो गए, अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स हो गए, जिनकी कैलकुलेशन नहीं होनी है, ठीक है जी, सिंपल सी बात है, नेम की कैलकुलेशन नहीं होती, एज की कैलकुलेशन नहीं करना हमें, प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती, एड्रेस की कैलकुलेशन नहीं करनी है हमने, बट उसी जगह देखा जाए तो प्राइस की हम कैलकुलेशन करेंगे तो न्यूमेरिक से है, प्राइस क्वांटिटी और वैल्यू, ठीक है जी, इनमें कैलकुलेशन करना है, वो खाली डिस्प्ले के लिए चाहिए हमें, जो कैरेक्टर वाले आइटम चाहिए वो डिस्प्ले के लिए चाहिए या डेटाबेस स्टोर करने के लिए, मतलब उस पे प्लस माइनस की कोई मैथमेटिक कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, लॉजिकल हो सकती है इनके ऊपर पर मैथमेटिकल नहीं होगी, मैथमेटिकल के लिए न्यूमेरिक ही लेंगे, ठीक है जी, सही है। अब इसका एक तरीका होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन का, हालांकि मैं तो एबीसी भी लिख सकता हूं, जैसे एज है, तो एज इसको कैसे पता पड़ेगा कि ये कैरेक्टर का है या न्यूमेरिक का है, इसको क्या मान लीजिए हमने प्रोग्राम बनाया और हम कई बार इतना क्लियर वेरिएबल नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, मैंने R2 लिख दिया, अब R2 क्या है पूरे प्रोग्राम में तो किसी को नहीं पता है, कैरेक्टर है न्यूमेरिक है दो, इसकी कैटेगराइजेशन मेरे दिमाग में है, तो मैं क्या लगाऊंगा, एक स्टैंडर्ड चलता है, कैरेक्टर के आगे सी प्रीफिक्स कर देते हैं और न्यूमेरिक के आगे एन प्रीफिक्स कर देते हैं, ठीक है जी, तो कैरेक्टर सी आइटम नेम लिखा है और न्यूमेरिक एन प्राइस एन क्वांटिटी एन वैल्यू लिखा है, ठीक है जी, ओके, हाँ, तो कैरेक्टर में एक ही वेरिएबल लिया है इन्होंने सी आइटम नेम, न्यूमेरिक में लिया है तीन वेरिएबल एन प्राइस एन क्वांटिटी एंड एन वैल्यू, तो ये डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एन आइटम करके ये एक प्रोग्राम बनाया है, जो तो देखिए प्रोग्राम करता क्या, तो प्रोसेस में होता है हमारा डिक्लेरेशन, इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है, स्टार्ट हुआ वेरिएबल डिक्लेयर हुए एक्सेप्ट सी आइटम नेम, जो यूजर ने एंट्री की वो सी आइटम नेम में आ गई, ठीक है जी, हमने कहा यूजर को कि एंटर द आइटम नेम, तो उसने आइटम नेम भरा, हमने उसे ले लिया सी आइटम नेम में, ठीक है जी, हमने कहा प्राइस भरो, तो उसने प्राइस जो है वो एन प्राइस हमने करवा दिया एन प्राइस में, इसी तरह क्वांटिटी भी करवा दी एन क्वांटिटी में, तो ये तीन इनपुट हो गए हमारे पास, आइटम नेम हो गया, प्राइस हो गया, क्वांटिटी आ गया, अब उसकी वैल्यू टोटल, मतलब जैसे कहते हैं टोटल क्या निकाला, एन प्राइस मल्टीप्लाई बाय एन क्वांटिटी, ठीक है जी, इसमें थोड़ा सा समीकरण अलग होता है ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स सिस्टम से, एन वैल्यू इक्वल टू का मतलब है जो भी फॉर्मूला लगा है इस साइड में, जो कैलकुलेशन होके जो रिजल्ट आएगा वो इस वाली वैल्यू में स्टोर हो जाएगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है इसका, ठीक है जी, यहाँ पे जो कैलकुलेशन होके वैल्यू आएगी वो एन वैल्यू में चली जाएगी, ठीक है, कई बार आप देखेंगे प्रोग्राम की एन वैल्यू इक्वल टू एन वैल्यू प्लस वन, ऐसा भी होगा, तो उसमें क्या होगा, एन वैल्यू बाद में एक्सेस होगा, पहले इधर वाली चीज एक्सेस होगी, इसका जो रिजल्ट आएगा वो नया उसमें चला जाएगा, ठीक है जी, तो ये हमारा प्रोसेस था कि वैल्यू निकाली, फिर डिस्प्ले सी आइटम नेम एंड वैल्यू, डिस्प्ले क्या कर देगा कि ये आइटम है और इसकी वैल्यू इतनी है, मतलब इतना आपको पे करना है, ठीक है जी, सही, तो ये एक प्रोग्राम हुआ, इसमें आपको वेरिएबल सिस्टम भी पता पड़ गया, अब थोड़ा सा आपको यहीं पे रोकता हूं, आपको इसमें दिखाता हूँ, अब एक्सेल का थोड़ा सा एनवायरनमेंट स्टडी कर लेते हैं और जितना अभी तक हमने किया इसी को अपना प्रोग्रामिंग तक लेके आते हैं।
क्योंकि अभी मैं आपको आगे बताता जाऊंगा, बड़े सारे कॉन्सेप्ट आगे भी इंट्रोड्यूस हो गए। तो मैक्रो के लिए एक्सेल के अंदर यहाँ पे डेवलपर टूल बार आपको चाहिए होती है सबसे पहले, ठीक है जी। डेवलपर टूल बार आपकी कहाँ से आती है? जो बटन है ऑफिस बटन, एक्सेल ऑप्शन, पॉपुलर के अंदर शो डेवलपर टैब इन रिबन, इसको चेक करेंगे तो आ जाएगा। 2010 एंड 2013 में ये कस्टमाइज के अंदर होता है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस साइड में ऑप्शन होगा डेवलपर टूल बार का, ठीक है जी। तो डेवलपर टूल बार हमें जरूरत पड़ती है विजुअल बेसिक्स मैक्रो वगैरह को चलाने के लिए। विजुअल बेसिक खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर पहले ही ऑप्शन है विजुअल बेसिक, या Alt F11 दबा सकते हैं अपने कीबोर्ड से, ठीक है जी। जैसे ही आप खोलेंगे इस तरह की स्क्रीन खुल के आ जाएगी, ये विजुअल बेसिक आपका अलग से है, ठीक है जी। अब विजुअल बेसिक्स में आपको किस तरह से दिखाएगा, यहाँ पे दिखा रहा है बीबीए प्रोजेक्ट बुक वन, बीबीए प्रोजेक्ट पर्सनल एक्सएसएलवी, एक्सएसएलवी वैसे ही पर्सनल फाइल है, आपके में शायद नहीं आएगा। तो जैसे मैं प्लस करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट आते हैं, इसमें यहाँ पे हमारे पास शीट्स लिखी हुई है, वन शीट टू, जितनी शीट होंगी वो दिखाई देगा, और दिस वर्क बुक मतलब वो पूरी फाइल। बेसिकली ये प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, कोई भी प्रोग्रामिंग होगी शीट वन पे करना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा, इनका प्रोग्रामिंग का वो खुल जाएगा, जैसे शीट वन का कोड क्या रहेगा। इसी तरह से दिस वर्क बुक है, तो वर्क बुक मतलब पूरी फाइल पे कोड क्या रहेगा, ठीक है जी, सब पे अप्लाई होगा। हालांकि कोडिंग ये इवेंट के काम आती है तो मैं इसको बाद में बताऊंगा। नॉर्मली कोडिंग कैसे करते हैं, हम इंसर्ट करते हैं यहाँ से और मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट मॉड्यूल। एक्सेल एक्सेल एटमॉस्फेयर में करते हैं यार सर, एक मिनट। हाँ जी, एक्सेल एटमॉस्फेयर में कर रहे बोल रहे हैं, अपन बीबी में आ रहे क्या? बीबी में सर, बीबी मैंने आपको अभी खोलना खोल के दिखाया, तो मैं दोबारा दिखाता हूँ कहाँ से। देखिए एक्सेल है ना ये, नहीं नहीं हाँ हाँ, यहाँ विजुअल बेसिक है, इधर डेवलपर टैब के अंदर हूँ मैं। अच्छा अच्छा, हाँ आप जैसे ही खोलेंगे तो ये इस तरह की शीट आ जाएगी आपके सामने, मतलब एक पूरी अलग ही सॉफ्टवेयर आ जाएगा विजुअल बेसिक का। ओके ठीक है जी, ये होता है आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ठीक है जी। ये आपकी प्रॉपर्टी शीट, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में कौन सी फाइल खुली हुई है, कहाँ कोडिंग करनी है, ये सब है। पहले अभी मैं इसको मॉड्यूल को डिलीट करता हूँ, आपको दोबारा दिखा देता हूँ, कंफ्यूज होंगे आप। तो यहाँ एक्सेल ऑब्जेक्ट में आपकी सारी शीटें और वर्कबुक होती हैं, जिसको हम इवेंट के दौरान कोडिंग करेंगे, मतलब कि शीट वन शीट टू पे हमें स्पेशल कोडिंग चाहिए उसको। नॉर्मल जो कोडिंग एनवायरमेंट है इसका, इंसर्ट पे जाइए, मॉड्यूल को यूज कीजिए, मॉड्यूल मॉड्यूल वन करके आ रहा है, इस पर सारी कोडिंग होगी हमारी, ठीक है जी। तो सबसे पहला प्रोग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपना दो नंबर का प्लस करने का प्रोग्राम बनाते हैं। इसमें क्या करना है, स्टार्ट करना है सबसे पहले, ठीक है जी। तो स्टार्ट किससे होता है, दो चीजें होती हैं इसमें, एक मैक्रो होता है, एक फंक्शन होता है, ठीक है जी। मैक्रो को सब प्रोसीजर भी कहते हैं, और सब प्रोसीजर इसकी शुरुआत होती है एस यू बी, और मैक्रो का नाम डालेंगे, ठीक है जी। सब लिखा मैंने, फर्स्ट मैक्रो लिखा, फर्स्ट मैक्रो मेरे मैक्रो का नाम है, जैसे ही एंटर किया
तो इसमें डबल ब्रैकेट अपने आप आ गए, एंड सब अपने आप आ गया। आप चाहे तो खुद से भी लगा सकते हैं अगर नहीं आता है तो ये फॉर्मेट है, और इसके बीच में आपको सारी कोडिंग करनी है, ठीक है जी। तो आपका क्या होगा, स्टार्ट ये हो गया और एंड ये हो गया, ठीक है जी। ये जो स्टार्ट एंड है, स्टार्ट स्टॉप, आप इससे कनेक्ट कीजिए, ठीक है जी। सबके सबसे स्टार्ट होता है, मैक्रो का नाम और एंड सब, एंड करने के लिए इसके बीच में कोडिंग होगी सर, स्टार्ट एंड इतना मानिए। देन अब क्या है कि गेट फर्स्ट नंबर, मैं क्या करूंगा, यूजर से फर्स्ट नंबर लूंगा इनपुट। हालांकि इसमें वेरिएबल का यूज हुआ नहीं था, बट इसमें जरूरत है समझाने के लिए, तो मुझे प्रोसेस पहले डालना पड़ेगा। कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है इसमें कैसे होती है, डिम करके होती है, डिम डबल डिम के बाद उसका नाम देना होगा। तो दो नंबर थे, एफ नंबर कॉमा एस नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, डिम करके होगा। जितनी बार आप एक लेना चाहें तो एक, फिर आपको कॉमा की जरूरत नहीं, एज कर दीजिए जो इसका टाइप होगा। न्यूमेरिक कैलकुलेशन में डेसिमल के लिए यूज होता है डबल, ठीक है जी। अगर कोड सही होगा तो ऐसे ये ब्लू लाइंस में बदलता चला जाएगा, ठीक है जी। पूरी लाइन नहीं बदलती, ब्लू लाइन में कुछ कीवर्ड्स बदलते हैं, एफ नंबर एस नंबर। हालांकि इसको इस तरह भी कर सकते थे हम लोग, जैसे सिंगल सिंगल करने होते हैं हमें, तो डिम एफ नंबर एस डबल, डिम एस नंबर एस डबल, ठीक है जी। ये दो टाइप हो गए, जैसे मैंने आपको बताया था ना कैरेक्टर और न्यूमेरिक, तो ये न्यूमेरिक के अंदर ही है। न्यूमेरिक में आपके इंटीजर डबल सिंगल बहुत सारे चलते हैं। डबल मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये मेरा डेसिमल को सपोर्ट करता है। इसी की जगह मेरे पास एक और चीज भी है, इसकी जगह डबल की जगह मेरे पास इंटीजर भी है, ठीक है जी। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर में आप मतलब डेसिमल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और उनकी लिमिट होती है। तो अब आगे चलते हैं, इसका मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कि कौन सा क्या चलता है, कैसे चलता है, कब डबल करना है, कब इंटीजर करना है, ठीक है। तो ये दो डिक्लेरेशन की पहले हमने प्रोग्राम में, यहाँ पे थी नहीं पर मैंने कर दी क्योंकि वो जरूरत थी। अब फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर यूजर से लेना है, तो मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बताया था, एफ नंबर इक्वल टू, ठीक है जी। तो फर्स्ट नंबर चाहिए मुझे, अब यूजर से लेना है तो हम कैसे लेते हैं, हमारे पास डिस्प्ले कराने के लिए मैसेज बॉक्स है और इनपुट लेने के लिए इनपुट बॉक्स है। तो इनपुट बॉक्स मैंने टाइप किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, बाकी मुझे ये बताने लगा कि प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मतलब यूजर को क्या दिखाना है। मैं कहता हूँ एंटर द फर्स्ट नंबर, ये मैंने मैसेज डिस्प्ले कराया कि उस पर क्या लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है जी। इसी तरह से मेरा होगा एस नंबर, और यहां पे कर देता हूं सेकंड नंबर, तो ये क्या करेंगे, दो इनपुट बॉक्स दिखाएंगे मुझे, वैल्यू मांगेंगे मेरे से, टेक्स्ट बॉक्स की तरह, मैसेज बॉक्स की तरह टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये दोनों आ गए, हालांकि एड टू नंबर है तो दोनों का जोड़ के भी मुझे कहीं रखना है, तो एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं, डिम टोटल एज इंटीजर, ठीक है जी। तो डिक्लेरेशन उधर हो गई, इनपुट यहां हो गया, डिक्लेरेशन प्रोसेस में हो गई,
इनपुट आपका इनपुट में होगा। अब हमें चाहिए प्रोसेस टोटल इक्वल टू एफ नंबर प्लस एस नंबर, ठीक है जी। ये हमने दोनों ऐड कर दिए, देन डिस्प्ले द रिजल्ट। डिस्प्ले करने के लिए मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करूंगा और वेरिएबल का नाम लिख दूंगा, ठीक है। मैसेज बॉक्स के बाद मैंने स्पेस देके या तो वो वेरिएबल लिख दूं, अगर मैंने कोई टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है तो कल मैंने कंकैटिनेशन ऑपरेटर भी बताया था आपको कि इसके साथ कुछ लिखना है, तो द टोटल इज एंड कर दिया मैंने, ठीक है जी। तो ये आपका दिखाएगा द टोटल इज कंकैटिनेट हो जाएगा इससे, इसमें जो रिजल्ट आया हुआ इस टोटल का, ठीक है जी। टेक्स्ट हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखा जाता है। तो अब इसको चलाते हैं, चलाने के लिए ये है रन। तो मैंने जैसे चलाया ये मेरे से बोल रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने दे दिया 10, क्या किया ओके। अब ये मेरे से पूछ रहा है एंटर द सेकंड नंबर, मैंने दे दिया 20, कर दिया ओके। मैसेज बॉक्स दिखा रहा है द टोटल इज 30, ठीक है। ये चीज समझ आई आपको सर? हेलो, हाँ समझ आई, बट मैक्रोस बोले तो वीबीए प्रोग्रामिंग है क्या? हाँ सर, और क्या? अच्छा हाँ, मैक्रोस वही तो होते हैं। सबसे पहला जो है हमारा ये टेक्स्ट का है, टेक्स्ट में एक भाग टेक्स्ट है, मैं फटाफट बता देता हूँ कि ये काम क्या करता है, बाकी इसका यूज नहीं होने वाला आपको। भाट जो है थाईलैंड की करेंसी है, तो न्यूमेरिक से ये थाईलैंड की करेंसी में चेंज करता है भाट टैक्स। इसका रेफरेंस लिया तो ये कुछ अलग ही लैंग्वेज में दिखा रहा है, हालांकि ये चीज नंबर टू वर्ड है। आप इसको गूगल ट्रांसलेट पे डालेंगे तो आपको दिखाएगा 1000 कुछ करके, ठीक है जी। इसका यूज नहीं है कोई, पर नॉलेज के लिए बता दिया। देन आपके पास क्या आता है, ASCII कोड्स होते हैं हमारे पास कुछ, ठीक है जी। ASCII कोड्स क्या होते हैं, कंप्यूटर जैसे लैंग्वेज की भाषा समझता है, बीबीए वगैरह कोडिंग की भाषा समझता है, उसी तरह हर एक कैरेक्टर को समझने के लिए इसका एक कोड होता है। तो ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऐसे करके होता है इसका मतलब। तो ASCII टेबल होती है, इसको देखेंगे तो हर एक कैरेक्टर के लिए एक कोड होता है, ठीक है जी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ए के लिए है वो 65 है कोड, ठीक है जी। कैरेक्टर ए के लिए कोड जो है वो 65 है, स्मॉल ए के लिए कोड जो है वो 97 है, इसी तरह आगे ये कैरेक्टर दिए हुए हैं आपको, ठीक है जी। हमारे पास कैर कोड के दो फॉर्मूले हैं, जैसे मैंने इसका कोड जानना है, ए का कोड क्या है, कोड का फॉर्मूला लगाया, इसमें एड्रेस का रेफरेंस दे दिया 65, और किसी कोड का कैरेक्टर जानना है तो कैर का फॉर्मूला, ठीक है जी, ए, ठीक है जी, 66 बी, 67 सी। तो इस तरह से इसका यूज कहां आता है, एक बार एक लड़के ने कहा कि मुझे ABCD ड्रैग करके दिखाओ। अब आपको पता है कस्टम लिस्ट के बारे में मैंने बता दिया, या तो उधर ऐड कर दूं, और मैंने कहा कि वैसे भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 ड्रैग करके हो जाता है ना। तो मैंने क्या किया, पहले ऊपर लिखा ए, ठीक है जी, उस
उसके बाद क्या किया, दो फॉर्मूले लगा दिए। पहले मैंने क्या किया, एक कोड का फॉर्मूला लगाया जिसमें जो अगला कोड डाले इसका कोड जो वो निकला है, ठीक है जी। मैंने क्या किया, इसमें प्लस वन कर दिया, ऊपर वाले में के कोड में प्लस वन हो जाए, फिर ये जो आया है इसका कैर में आ जाए, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला लगाया था। अब इसी को ड्रैग करते जाएंगे आगे तक आ जाएगा। ये क्या करेगा, अपने ऊपर वाले को पहले कोड में कन्वर्ट करेगा। Yeah. कोई भी फॉर्मूले की कैलकुलेशन कैसे चली है वो देखने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बाहर है, इसके अंदर होता है इवेल्युएट फॉर्मूला, ठीक है जी। एक टूल है, इसको क्लिक करेंगे तो जो फॉर्मूला लगा हुआ है ये आया। इवेल्युएट करेंगे हम तो नेक्स्ट स्टेप इसने क्या किया वो दिखा रहा है। तो इसने दिखाया कि ऊपर से इसने बी को ले लिया, फिर इवेल्युएट किया तो कोड ने उसका कोड निकाल दिया, कोड प्लस वन है 67, कैर ने क्या किया 67 का कैरेक्टर दे दिया, ठीक है जी। तो इस तरह से कैलकुलेशन हुई इसकी किसी भी फॉर्मूला पर, ठीक है सर। तो yeah. एक तो यूज ये हो गया इसका, बाकी अब कैपिटल यहां पे कैपिटल है, अब इसमें मुझे स्मॉल करने हैं तो यही फॉर्मूला मैं फिर यूज कर सकता हूं, कैर कोड ये जो था। अब 65 और 97 में डिफरेंस जो है 32 का है। अब देखते हैं कि अपर टू लोअर केस कैसे चेंज करते हैं, वो ये कोड होता है, ठीक है जी। तो 32 का क्या था, 65 से 97 में 32 का डिफरेंस होता है सर। अगर टेबल देखेंगे तो 65 पे जो है ए है, 97 पे स्मॉल ए है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बीच में डिफरेंस 65 से 97 के बीच कितना हुआ, 32 का, ठीक है जी। okay. मैंने क्या किया, इसके कोड में 32 प्लस कर दिया। ओके okay. ठीक है, ये प्रोग्रामिंग के कोड्स हैं वैसे कि मतलब इन डेप्थ काम होता कैसे है, अपर से कैसे होता है, लोअर से अपर कैसे होता है, वो इस तरह से, ठीक है। कोड और कैर हमने देखे, देन अब इसमें देखते हैं क्लीन है एक हमारे पास। कई बार क्या होता है कि ईआरपी वगैरह से डेटा निकलता है, जैसे ऑल्ट एंटर के बारे में जानते हैं क्या आप इसमें? ऑल्ट एंटर हम करते हैं सेम लाइन इंसर्ट करने के लिए, ठीक है जी। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लेन का, जो कि लेंथ रिटर्न करता है, तो इसकी लेंथ बता रहा है ये 13, जबकि नाम में यहां 7 कैरेक्टर है और स्पेस मैंने दिया नहीं, ऑल्ट एंटर मारा था, और इसमें है 5 कैरेक्टर यानी कि 12। तो ऑल्ट एंटर किया, वो भी एक कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर है तो वो 13 दिखा रहा है लेंथ। अब मैं क्या करता हूँ, क्लीन में लगाता हूँ, ये ऊपर वाले को क्लीन में ले लिया मैंने, तो जो भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है वो डिलीट कर देगा ये क्लीन का फॉर्मूला, ठीक है ना, सही है। अब ऑल्ट एंटर का मुझे कोड जानना है तो क्या है, ऑल्ट एंटर का यूज भी मैं बहुत अच्छे से करता हूँ। ऑल्ट एंटर का कोड डालना है, जानना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें आके ऑल्ट एंटर ही खाली दबाना है, और क्या करूंगा इसके लिए, कोड का फॉर्मूला करूंगा। तो इसका मुझे मिला कि ऑल्ट एंटर का जो है कोड 10 है, ठीक है जी। तो अब मैं फॉर्मूला के जरिए ये कहीं भी इंसर्ट करा सकता हूं। इसका फायदा क्या होगा,
जैसे कि मुझे VLOOKUP से चार्ट, एक ऐसा चार्ट बनाना है जिससे मैं, जिसको मैं VLOOKUP से कॉल कर सकूं। आज तक ऐसा कोई चार्ट है नहीं ऐसा, और फॉर्मूला के जरिए भी चार्ट बनाया जा सकता है, एक सिंपल सा चार्ट। तो देखिए यहाँ पे मैं दो नंबर ले लेता हूं, रैंड बिटवीन का मैंने बताया कि रैंडम वैल्यूज। अब मुझे क्या करना है, इससे पहले मैं आपको एक और फंक्शन दिखाता हूं इसी में, आरईपीटी। आरईपीटी का मकसद मतलब है रिपीट, रिपीट, रिपीट। जो भी कैरेक्टर देंगे आप, जो भी टेक्स्ट देंगे, जैसे मैं स्टार दे रहा हूं, ठीक है, कितनी बार रिपीट करना है, मैंने कहा इतनी बार रिपीट करना है, जितनी बार इसमें लिखा है, कितने नंबर ऑफ टाइम, ठीक है जी। इसको मैं ड्रैग कर देता हूं, तो क्या हुआ, एक बार चार्ट टाइप का आ गया मेरे पास, ठीक है जी। जैसे यहाँ नंबर बदलेगा तो यहाँ पे भी ये करेक्टर भी बदल जाएंगे, क्योंकि उतनी बार रिपीट करना है। मैं क्या करता हूँ, जैसे ये बहुत ज्यादा बाहर जा रहे हैं, तो इसको क्या कर देता हूँ, डिवाइड बाय 10 कर देता हूं, किसको, G7 को, जो यहां से वैल्यू आ रही है, तो मेरा चार्ट क्या हो जाएगा, 10 गुना छोटा हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, तो ये बार चार्ट बनाया। इसकी जगह पे मैं एक और चीज यूज कर सकता हूँ, स्टार की जगह पे आपका एक पाइप का निशान होता है, ठीक है जी। ये आपका जहां बैक स्लैश होता है उधर होता है, ठीक है, बैक स्लैश होता है वहां होता है। इसका आपको दिखाता हूं, अब मैंने इसको ड्रैग कर दिया तो एक तरह से चार्ट की शक्ल ले रहा, जैसे ये है ना, ये ऊपर वाला है ब्लैक स्लैश, ये वाला, ठीक है जी, ये साइन है। अब क्या किया मैंने, इसमें फॉन्ट अगर चेंज कर दूं, एक फॉन्ट है ब्रिटैनिक, ब्रिटैनिक बोल्ड, क्या करेगा वो पाइप को मिला देगा, इतना मतलब बोल्ड हो जाता है कि उनके बीच का स्पेस गायब हो जाता है। तो एक चार्ट कल ले लेता है, मैं इसमें फॉन्ट कलर चेंज कर देता हूँ, तो डिफरेंट कलर का चार्ट ले, चार्ट की तरह यूज कर, ठीक है जी, ठीक है सर। या एक चार्ट की शेप दिखा रहा है, तो अभी मैंने सिंगल कैरेक्टर से किया है, अब मैं चाहता हूं कि इसका एक डबल चार्ट दिखाए, इनको क्या कर देता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ताकि मेरा चार्ट जगह ले सके, ठीक है, स्पेस दे दी। अब मैं क्या करूंगा, कोड यही रहेगा, कंकैटिनेट करूंगा, यही फॉर्मूला लगाया, पर ये G7 की जगह मैंने इसके आगे वाली सेल ली, ड्रैग कर दिया, पर इसमें कोई पूरे 10 सेल, हाँ, 10 सेल पूरे कैसा बड़े कैसा करें अभी, पूरे 10 रोज इनको सर यहां से सिलेक्ट कर लीजिए, और यहां से ना इनका साइज ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, तो अभी तो कोई फर्क नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये कंकैटिनेट हो गए, तो सारा टेक्स्ट एक साथ ही जुड़ गया, इन दोनों का कंबाइंड दिखा रहा है। अब यहां पे मैं यूज करूंगा जो कोड 10 मैंने यूज किया, यहां पे कर देता हूं कोड, नहीं कैर 10 कोड था उसका, ऑल्ट एंटर वाला था ना, तो कैर
10 कंकैटिनेट कर देता हूं साथ में, ठीक है जी। अब alt enter आपका तभी एक्टिवेटेड होता है जब रैप टेक्स्ट हो आपका, तो रैप टेक्स्ट करता हूं। रैप टेक्स्ट करते ही आप फर्क देख सकते हैं कि दो चार्ट आ गए मेरे पास, मतलब वो कोड 10 से स्प्लिट हो गया चार्ट, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, इसका बस एंगल चेंज करना है। एंगल कहां से कर सकता हूं, यहां से अलाइनमेंट में 90 डिग्री कर दिया, ओके। तो ये चार्ट आ गया मेरे पास बना हुआ, ठीक है जी। कभी भी कोई वैल्यू अगर इसमें चेंज होती है, ठीक है जी, सही है। मान लीजिए इसके आगे कोड है, अब ये चार्ट आप वी लुकअप से कॉल कर सकते हैं। इसका भी एक तरह से ऑटोमेशन हो जाता है। मैं क्या करता हूं, इसको उठा के यहां पे एक डेटा वैलिडेशन लगाता हूं, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन और लिस्ट ले लेता हूं। सोर्स में मैं ये लिस्ट ले लेता हूं एम्प्लॉय आईडी, ओके कर देता हूं। तो मेरे पास यहां पे आईडीज आ गई। अब मैंने वी लुकअप करना है, वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू ये हो गई, लुकअप डेटा ये वाला हो गया पूरा। कॉलम इंडेक्स 1 2 3 4 4 डालूंगा और कॉमा 0, तो ये आ गया। मैंने क्या करना है, फॉर्मेट प्रिंटर से फॉर्मेट पेस्ट कर देना, जिससे फॉन्ट वगैरह की सेटिंग इस पे आ जाएगी। तो मैं यहां से चेंज करता जाऊंगा, उसका चार्ट दे सकता हूं, ठीक है जी। तो ये चार्ट जो है वील कब से कॉल हो रहा है, ठीक है सर, या सही है। ये देखिए, वो छोटे से छोटा फॉर्मूला भी कुछ ना कुछ अहमियत रखता है, ठीक है जी। आगे के चलते हैं फंक्शंस पे। देखिए फॉर्मूले को इसमें क्या है ना, विदाउट मैक्रो के अगर हमें चीजें करनी है तो फॉर्मूला स्ट्रांग होना चाहिए। फॉर्मूला ऐसे ही है कि सारे कौन सा फंक्शन कहाँ यूज होगा, किस तरीके से यूज होगा वैसे। अब देखते हैं कंकेटिनेट फॉर्मूला। कंकेटिनेट का जैसे मैंने बताया था कि एक ऑपरेटिव एंड वाला, इसी तरह से कंकेटिनेट का फॉर्मूला भी। कंकेटिनेट इसमें हम पहला पैरामीटर सिलेक्ट करेंगे देन कॉमा, दूसरा पैरामीटर सिलेक्ट करेंगे ब्रैकेट क्लोज, तो ये आपका सेम काम करता है। चाहे वो आप एंड के जरिए कंकेटिनेट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं या कंकेटिनेट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। देन आपके पास है डॉलर। डॉलर क्या करता है, करेंसी में कन्वर्ट करता है और कुछ नहीं करता है, डॉलर डालता हूं पहला रेफरेंस नंबर, देन ये पूछ रहा है कि कितने डेसिमल पोजीशन तक होना चाहिए। मैं कहता हूं 2 डेसिमल पोजीशन तक होना चाहिए, ठीक है। तो डॉलर लगा देता है आगे। अब मुझे कैसे पता पड़ा कि ये कितने डेसिमल तक होना चाहिए, एफएक्स पे जाइए और यहां पे आपको इसकी डिस्क्रिप्शन यहां दिख जाती है। यहां पे इसे नंबर रेफरेंस ये डाल सकते हैं, डेसिमल इज द नंबर ऑफ डिजिट्स टू राइट, द नंबर इज राउंडेड नेसेसरी इफ ओमिटेड डेसिमल इक्वल टू 2। तो आपको इसके एग्जाम्पल भी मिल जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। अगर और भी चाहिए तो हेल्प ऑन दिस फंक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैसे डाला हुआ है ये सारी चीजें दिख जाएंगी। जैसे -2 डाला है तो 1234 को क्या किया इसने, 1200 पे राउंड कर दिया, ठीक है जी, डेसिमल से लिया जो बस। तो एग्जाम्पल्स आपको हर फॉर्मूले के दिख जाएंगे आप।
आगे चलते हैं। इसी तरह से डॉलर की तरह ही हमारा फिक्स्ड का है, ये न्यूमेरिक्स के लिए होता है, किसी भी नंबर को एक्चुअल नंबर फॉर्मेट में कर देता है, डेसिमल वही दो डेसिमल तक, कॉमा देना है नहीं देना है ये। तो अब इसका जैसे पैरामीटर मुझे पता नहीं कि कॉमास में पैरामीटर क्या मांग रहा है, ट्रू फॉल्स मांग रहा है, यस नो मांग रहा है या क्या मांग रहा है, तो यहां से देख लेंगे तो ट्रू फॉल्स मांग रहा है, ठीक है जी। तो यहां पे मैं दे सकता हूं कॉमा ट्रू, ट्रू करेंगे तो कॉमा नहीं लगाएगा, फॉल्स करेंगे तो कॉमा लगा देगा। कॉमा कब लगाता है, जब वैल्यू आपकी 1000 से ऊपर होती है, ठीक है जी। देन आगे चलते हैं, देन आपके पास हम कभी भी कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन के लिए क्या ऑपरेटर बताया था मैंने कि मैंने एक नाम लिखा और यहाँ पे एक कैपिटल केस में नाम लिखा। अब लॉजिकल फॉर्मूले, लॉजिकल ऑपरेटर से इसको चेक करते हैं कि क्या ये बराबर है। तो इसका इक्वल टू ये अभी क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि ये बराबर है। ये जो इक्वल टू होता है ये केस सेंसिटिव नहीं होता, मतलब अपर केस में, लोअर केस में, कोई भी केस में हो तो वो अगर कंटेंट सेम है लिखा हुआ तो बराबर ट्रू दिखा देता है, बट एग्जैक्ट मैचिंग चाहिए, कि केस सेंसिटिव होना चाहिए। तो एग्जैक्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पहला टेक्स्ट ईयर आ कॉमा दूसरा टेक्स्ट ईयर आ, अब बताओ एग्जैक्ट है कि नहीं, बता रहा है फॉल्स। ये तभी ट्रू दिखाएगा जब सेम केस में लिखा होगा, ओके okay. ठीक है। देन केस की बात चलिए तो मैं केस दिखा देता हूं कि केस कैसे चेंज होता है इसमें। तो केस जो है एक्सेल में फॉर्मूले के थ्रू चेंज होता है। अपर का फॉर्मूला है हमारे पास, ये किसी भी टेक्स्ट को अपर केस में चेंज कर देता है, ठीक है जी। लोअर का फॉर्मूला तो किसी भी केस को लोअर केस में चेंज कर देता है, और प्रॉपर का फॉर्मूला है जो किसी भी केस को प्रॉपर केस में चेंज कर देता है, मतलब टाइटल केस में पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है जी। तो तीन फॉर्मूला है, अपर लोअर प्रॉपर, जैसे एक्सेल में कई बार होता है ना, स्मॉल में लिखा है या कैपिटल में करना है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, इससे उठा के वर्ड में ले जाते हैं, फिर वहां से ऑप्शन लाके फिर कॉपी पेस्ट करते हैं। तो उससे बेटर ऑप्शन है कि राइट यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कीजिए, वहां फॉर्मूला लगा दीजिए, कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यूज कर दीजिए, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, अब इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट पे प्ले करते हैं। थोड़ा मान लीजिए किसी भी स्ट्रिंग को फाइंड करने के लिए जैसे मुझे ये फाइंड करना है कि ए कहां पे है, तो फाइंड का फंक्शन ए विद इन टेक्स्ट, मतलब किस टेक्स्ट में क्या फाइंड करना है, मैंने कहा ए फाइंड करना है विद इन टेक्स्ट, मतलब इसमें फाइंड करना है। स्टार्ट नम जो होता है वो इंडेक्स पोजीशन होती है। एक और चीज कि आप देख रहे होंगे कि कई पैरामीटर्स के आगे ये डबल ब्रैकेट से हैं, बड़े ब्रैकेट हैं, इसका मतलब होता है वैल्यू ऑप्शनल है, आप अगर इसको ना भी दे तो चलेगा। अच्छा हाँ ओके, इसमें एरर दिखा रहा है। अच्छा स्मॉल ए कर देता हूँ, अच्छा मतलब वैसे तो आपके में चलेगा, मेरे में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम, और आपके में चलेगा, नहीं देंगे तब भी चलेगा। ये स्टार्ट नंबर होती है इसकी इंडेक्स पोजीशन,
ठीक है जी, इसमें देख लेते हैं कि ऑप्शनल होना चाहिए। अगर इफ ओमिटेड स्टार्ट नम वन, मतलब अगर कुछ नहीं देते हैं तो स्टार्ट नम वन लेता है, वन से स्टार्ट करता है। वन से मतलब ये गिनता है आगे से, जैसे एस जो है पहली पोजीशन पे है, ए दूसरी पोजीशन पे है, तो कहाँ से स्टार्ट करना है, वन से स्टार्ट किया और इसने बताया कि दूसरी पोजीशन पे हमारा ए है, ठीक है जी। अगर मान लीजिए डबल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि ई, तो ये पहला वाला देगा, ठीक है जी। Okay. बता रहा है पांचवी पोजीशन पे है। अब मान लीजिए हमें छठा पोजीशन जाननी थी तो कैसे करेंगे, तो हम इसको स्टार्ट ही करेंगे छठी पोजीशन, पांचवी पे तो ऑलरेडी है तो वही अटक जाएगा, तो छठी पोजीशन से जब हम स्टार्ट करेंगे इसको तो ये छह दे देगा, ठीक है जी। मतलब आगे होगी तो भी वो वाली पोजीशन दे देगा, इसको छोड़। फाइंड के फंक्शन की तरह ही हमारे पास सर्च का फंक्शन है, तो आपने देखा कि फाइंड का फंक्शन जो था केस सेंसिटिव था, पर सर्च का फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं है, दोनों सेम काम करते हैं, बट ये है कि सर्च का फंक्शन आपका कैपिटल है स्मॉल है, कैपिटल में हो स्मॉल में हो सब में सर्च करके देता है, बट फाइंड का फंक्शन एग्जैक्ट मेथड पे चलता है, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, एक मान लीजिए हमें हमारे पास नेम है, किसी का नाम है, अब मुझे क्या करना है कि फर्स्ट नेम निकालना है, मिडल नेम निकालना है और लास्ट नेम निकालना है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, फर्स्ट नेम निकालने के लिए लेफ्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं, लेफ्ट लेफ्ट सिलेक्ट किया कॉमा, मतलब किसमें से निकालना है वो सिलेक्ट किया और कितने कैरेक्टर निकालने हैं, तो जैसे मेरा नाम सात कैरेक्टर का है तो मैंने सात दे दिए, तो ये कितने निकाल के दे दिए इसमें, ठीक है जी, लेफ्ट से। इसी तरह राइट से लास्ट नेम के लिए राइट का फॉर्मूला लगाएंगे, टेक्स्ट से कितने कैरेक्टर निकालने हैं, तो लास्ट नेम मेरा है पांच कैरेक्टर, तो लास्ट से पांच कैरेक्टर निकाल देगा। तो राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट के अलावा इसमें हमारे पास मिडल मिड का फंक्शन है जो मिडल से वैल्यू निकालता है, तो किस टेक्स्ट में से निकालनी है वो, मिडल से वैल्यू निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए कि कहां से स्टार्ट करना है और कितने कैरेक्टर चाहिए। मैं कहता हूं कि सात मेरा नाम फर्स्ट हो गया, आठवें पे स्पेस हो गया, मैंने कहा नौ से स्टार्ट करो, नौ से स्टार्ट करो और कितने चाहिए, कुमार में पांच है तो पांच कैरेक्टर चाहिए, ठीक है जी, तो ये निकाल दिया। ये नंबर्स को करता क्या? हाँ जी, मतलब उतने नंबर्स को करता क्या? उतने कैरेक्टर निकाल के दे देता है, जैसे नौ हो गई इसकी इंडेक्स पोजीशन, इसमें पहला क्या हुआ टेक्स्ट क्या है, ये स्टार्ट नंबर उसकी इंडेक्स पोजीशन की कहां से स्टार्ट करना है और नंबर ऑफ कैरेक्टर की कितने कैरेक्टर निकालने हैं उसके बाद, तो यहां से गिनता हुआ ये नौ पे आया, फिर नौ से इसने पांच गिन के उतने कैरेक्टर निकाल के यहां दे दिए। नहीं वो समझ गया मैं, वही संदीप कुमार सिंह के प्लेस में एक पार्ट नंबर है, समझो सात सेवन नंबर्स का एक पार्ट नंबर है। अच्छा, तो अब एग्जांपल 243150 बोल के है पार्ट नंबर, तो उसमें लास्ट फोर डिजिट्स सेपरेट करना है, कर सकते क्या? लास्ट फोर डिजिट करना है तो सर इसमें राइट का फॉर्मूला बताया ना मैंने, राइट में उसको जैसे ये टेक्स्ट देके यहाँ पे फोर लिख दीजिए, तो ये लास्ट से ही फोर समझा, समझा भाई। हाँ नहीं नहीं, अभी आपका इनपुट संदीप कुमार सिंह है ना? हाँ जी, वो संदीप कुमार सिंह के बदले में अगर नंबर्स है सेवन नंबर्स है नंबर पार्ट नंबर है, अब मेरा मेरा बिल ऑफ हाँ नंबर से निकाल सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं,
हाँ वो कैसा करते हैं, नंबर डाल दीजिए बस इसकी जगह, जैसे आपका कोई पार्ट नंबर है कितने डिजिट का आप बता रहे हैं? 243-1560 243-1560 तो ये हाँ। एक्सेल की भाषा में देखा जाए तो 8 डिजिट का होगा, हाँ। क्योंकि इसकी लेंथ देखेंगे तो 8 ही निकलेगी। अब एक्सेल को थोड़ी हाँ। पता है कि डैश आपने खाली वैसे ही फिक्स किया, तो इसके लिए फॉर्मूला जो लगेगा आपका राइट लगेगा टेक्स्ट। अब 4 कैरेक्टर निकालने हैं पीछे से, 4 टाइप कर दीजिए बस। अच्छा तो फर्क नहीं पड़ता टेक्स्ट हो या नंबर। हाँ जी हाँ, आगे मैं बता रहा हूँ आपको, अभी तो ये तो मैंने खाली स्टार्टिंग बेस दिया है इसको, लेफ्ट अच्छा। राइट और मिड का। अब इसका स्मार्ट यूज दिखाता हूँ, पर हर नाम जो है इसी कॉन्फ़िगरेशन का तो नहीं रहेगा, किसी का 7 हो सकता है, किसी का 8 हो सकता है, तो इसको करना है डायनेमिक। जैसे सुजीत के आर पांडे, ये भी नाम हो सकता है, ठीक है जी। तो इसमें अगर हम यही फॉर्मूला कॉपी कर देते हैं तो क्या होता है, रिजल्ट आएगा आपका गड़बड़, ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है कि इसको सही करना है, तो इसके लिए हमें किस किस चीजों की और जरूरत पड़ेगी? तो हमें जरूरत पड़ेगी यहां फर्स्ट स्पेस की, सेकेंड स्पेस की और फुल लेंथ की। फर्स्ट स्पेस हमें कैसे करेंगे, फाइंड का फॉर्मूला है अपने पास, फाइंड क्या करेंगे इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस दे देंगे विद इन टेक्स्ट, यहां से ले लिया मैंने, ठीक है जी। तो पहला स्पेस इसे फाइंड हुआ 8वें नंबर पर। सेकेंड स्पेस फाइंड करेंगे कैसे, जब हम इसमें प्लस 1 करके चलेंगे, यानी जहां पहला मिला उसका इंडेक्स प्लस 1 करके चलेंगे। तो क्या करेंगे, एक बार फाइंड का फॉर्मूला लगाएंगे, स्पेस विद इन टेक्स्ट ये, देन स्टार्ट नम जो होगा जे प्लस 1, फर्स्ट स्पेस प्लस 1, ठीक है जी। सेकेंड स्पेस आ गया और फुल लेंथ भी ले लेंगे अपने पास, तो इनकी जरूरत हमें हर बार पड़ेगी, ठीक है जी। अब ये मेरे पास रिजल्ट है, तो जहां मैंने क्या किया था, लेफ्ट का फॉर्मूला लगाया था, लेफ्ट से कितने करेक्टर उठाने हैं मुझे, यहां से मैंने टेक्स्ट लिया, लेफ्ट से कितने कैरेक्टर उठाने हैं, फर्स्ट स्पेस माइनस 1, ठीक है जी, क्योंकि वो स्पेस काउंट करके बता रहा है कि स्पेस कौन सी पोजीशन पे, स्पेस से एक कम चाहिए, ठीक है जी। तो लेफ्ट फर्स्ट स्पेस माइनस 1, ये आ गया। देन लास्ट नेम के लिए मैंने बताया था राइट का फॉर्मूला, राइट से कितने कैरेक्टर उठाने तो हमें कैसे पता पड़ेगा, लेंथ माइनस सेकेंड स्पेस, ठीक है जी। यहां पे मैंने किया टेक्स्ट लिया और लेंथ माइनस सेकेंड स्पेस, ठीक है जी, ये आ गया। फुल लेंथ में से सेकेंड स्पेस जहां तक होगा तो हम काउंट करके देख सकते हैं कि ये कितने करेक्टर का, तो लेंथ माइनस सेकेंड स्पेस हो गया। अब मिड में क्या आएगा, टेक्स्ट मैंने बताया था कि स्पेस प्लस 1 है, स्पेस से अगला करेक्टर है, तो फर्स्ट स्पेस प्लस 1 जो है स्टार्ट नंबर हो गया, और कितने करेक्टर उठाने हैं तो वो हो जाएगा हमारा सेकेंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस माइनस 1, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला हो गया।
और इसी की जगह अगर हम कोई और डालते हैं तो भी काम कर रहा है, ठीक है जी। अब ये हो गया फॉर्मूला मेरा डायनेमिक, बट मैं ये चाहता हूँ कि ये सब चीजें मुझे इधर बाहर से ना यूज करनी पड़े। अब मैंने सिंपल लॉजिक से क्या हुआ, फॉर्मूले को तोड़ तोड़ के कर दिया। अब मुझे इसको कंबाइंड करना है एक ही फॉर्मूले में, कैसे करूंगा? ये जो फाइंड का है ओके है, या इस पे डिपेंडेंट है। सेकंड इस पे इसको पहले इंडिपेंडेंट करूं, ये इस पे डिपेंडेंट है फर्स्ट स्पेस पे। मैं क्या करूंगा, फर्स्ट स्पेस का फॉर्मूला इक्वल टू से पहले कॉपी करूंगा, और यहां पे जहां मैंने इसका रेफरेंस दिया है i9, उसकी जगह पेस्ट कर दूंगा, ठीक है जी। अब ये इसी पे डिपेंडेंट है, फ्री हो गया, ये लेंथ अपने आप में फ्री है और किसी पे डिपेंडेंट नहीं, ठीक है जी। तो तीन एंटिटी पहले मैंने फ्री कर दी, अब मैं इनको फॉर्मूला में यूज कर सकता हूं। तो यहां पे मैं ले रहा हूं फर्स्ट स्पेस, तो फर्स्ट स्पेस जहां था मैंने क्या करना है, i9 की जगह वो कर देना पेस्ट। पहला फॉर्मूला हो गया मेरा फ्री। देन इसमें दो चीजें आ रही है, फर्स्ट स्पेस और सेकेंड स्पेस, तो i9 है। अब जैसे दो बार वैल्यू है, अब मुझे करना है रिप्लेस इसका, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक ही सिलेक्ट रहने दीजिए, या इन दोनों में जहां पे भी फर्स्ट स्पेस यूज हुआ है तो मुझे पता है i9 से हुआ है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा i9, और यहां वो फॉर्मूला कर दूंगा और इसमें कर दूंगा रिप्लेस ऑल, ठीक है जी। तो मैं इसके अंदर देखूंगा ये फाइंड का फॉर्मूला लग चुका है। अब दूसरा है J9, यहां पे भी देखें J9 यूज है, J9 यूज है, तो जहां जहां J9 यूज है इन दोनों में ही यूज है, तो यहां J9 का फॉर्मूला मैं पूरा कॉपी कर लूंगा, यहां तक इक्वल टू से पहले तक, इन दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल F किया, रिप्लेस में चला गया, तो J9 यहां टाइप किया और रिप्लेस विद में पूरा फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, रिप्लेस ऑल। अब एक चीज बची है डिपेंडेंट होने के लिए, लेंथ। तो लेंथ जहां जहां यूज है मैं लेंथ का फॉर्मूला कॉपी कर दिया, और जहां जहां K9 यूज हुआ है वहां इसको चेंज कर दिया, K9 रिप्लेस में गया, वो फॉर्मूला कॉपी किया, रिप्लेस ऑल कर दिया, ठीक है जी। तो अब ये फॉर्मूले जो है फ्री हो गए, ठीक है, अब इनकी मुझे कोई जरूरत नहीं। हालांकि मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूं, पर इसको डिलीट कर भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं आपका यहां साइड में उठा के रख दिया ताकि आप देख सके क्या फॉर्मूला लगा, ठीक है जी। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो पहला फॉर्मूला था मेरा वो इस तरह से बन गया, सेकंड फॉर्मूला था वो इस तरह से बन गया। इसी तरह से मैं बड़े बड़े फॉर्मूले लगाता हूँ, वो जो मैंने फॉर्मूला बनाया था वो सिर्फ इसी मेथड से बना हुआ है। नाइस। क्या होता है कि लॉजिक को पहले तोड़ना पड़ता है, एकदम से कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकता, कोई भी एक्सपर्ट हो एकदम से इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लगा सकता, ठीक है जी। जो लॉजिक होता है वो ये होता है, देख रहे हैं सर? यही सही है, एकदम मस्त। धीरे धीरे जब आप इस मेथड से काम करेंगे, धीरे धीरे आपको बड़े फॉर्मूले लगाने लायक लॉजिक पता पड़ जाएगा, जब आपका हाथ इतना अच्छा चलने लगेगा कि आप बिना गलती के कोई फॉर्मूला लगा दें, ठीक है। हालांकि यही मेथड फॉलो करें, लॉजिक अपने आप डेवलप हो जाएगा। अब थोड़ा सा और घुमाते हैं इस फॉर्मूले को, मैं इसी फॉर्मूले को भी ऊपर कर देता हूं और नीचे भी खींच लेता हूं इसी फॉर्मूले को, क्योंकि ऑटोमेटेड करना है मैंने। अब इसमें क्या है कि नाम जो हो सकता है वो दो डिजिट का भी हो सकता है,
ठीक है जी, तो यहां तक तो सही आ रहा है, इसमें गड़बड़ आ रही है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें यहाँ चाहिए क्या उसकी तरफ चलते हैं कि हमें फर्स्ट नेम चाहिए और लास्ट नेम चाहिए। ठीक है जी, जब दो डिजिट दिया तो यानी कि जब इसमें एरर आए तो हमें दूसरा फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या करेंगे, इफ एरर का फंक्शन है अपने पास, दूसरे में क्या करेंगे, पहले उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसमें मुझे चाहिए कि फर्स्ट स्पेस ही चाहिए और राइट से फर्स्ट स्पेस माइनस कर दूंगा तो सही रिजल्ट आ जाएगा, मतलब लेंथ माइनस फर्स्ट स्पेस। तो यहां पे मैंने क्या करना है, फाइंड करना है स्पेस विद इन टेक्स्ट, इसके अंदर कर दिया। ठीक है जी, फिर इसकी लेंथ डायरेक्टली ले लूंगा जो भी होगी, और इनमें से माइनस करके जो है लेंथ माइनस फर्स्ट स्पेस, ये मेरे लास्ट के पांच कैरेक्टर चाहिए ना, तो पांच आ गया मेरे पास। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे लगा देता हूं इफ एरर और वैल्यू में तो पूरा पड़ा हुआ है, अगर इसमें कहीं दिक्कत आती है तो अगला फॉर्मूला क्या लगाना है, मैंने इसके लिए क्या लगाऊंगा, राइट का फॉर्मूला, राइट टेक्स्ट कॉमा, और कहां रिजल्ट आया था मेरा, यहां पे K10। ठीक है जी, कुमार आ गया। अब इस फॉर्मूला अभी उन पे डिपेंडेंट है तो इसको इंडिपेंडेंट कर देते हैं, ये वाला फॉर्मूला इन दोनों पे डिपेंडेंट हो रहा है, तो यहां से क्या करते हैं, ये वाला करते हैं कॉपी, इसको कर देते हैं I10 में। ठीक है जी, J10 का फॉर्मूला कर देते हैं, मैं बहुत छोटे छोटे से समझा रहा हूं सब ताकि आपको ये ज्यादा क्लियर है। परफेक्ट, बहुत अच्छा समझा रहे यार। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन के आ गया मेरे पास। अब ये फॉर्मूला इंडिपेंडेंट हो गया, अब यहां पे जहां K10 यूज हुआ है वहां मैं इस फॉर्मूले को ले जाऊंगा, इक्वल टू से पहले कॉपी कर लिया, और यहां पे मैंने K10 यहां पे यूज किया और इधर लगा दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, तो आप देखेंगे ये फॉर्मूला आपके सामने इतना बड़ा बन के आ गया, अब मुझे इनकी जरूरत नहीं, इसको भी मैं रख देता हूं साइड में। देन अब यहां पे वैल्यू आ रही है, इसका कुछ तो जुगाड़ करना ही है, तो इसको क्या करता हूं मैं, इफ एरर लगा देता हूं, इफ एरर और यहां ब्लैंक दे देता हूं, देखो ये एरर आए तो ब्लैंक। ठीक है जी, अब इस फॉर्मूला को ऊपर नीचे कर देता हूं, तो मिड वाला मेरा पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो गया, पर क्या हो सकती है कि सिंगल भी कोई डाल सकता है, लास्ट नेम फर्स्ट नेम पता ही नहीं है, तो इसमें देख रहे हैं एरर दो पार्ट में आ रही है, एक इधर आ रही है एक इधर आ रही है, तो अब इनको सॉर्ट आउट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, जब सिंगल कैरेक्टर है तो कुछ नहीं करना है, अगर यहां पे दिक्कत आती है तो वैल्यू इफ एरर पार्ट में डायरेक्ट इसी का लिंक दे देना कि यही दिखा दो अगर कुछ एरर आ गया। ठीक है जी, इसका काम हो गया, और यहां पे अगर एरर आती है तो इफ एरर के ऊपर एक और इफ एरर लगा दिया कि अब की बार एरर आए तो वहां ब्लैंक ही करना है। ठीक है जी, ये आ गया, तो ये मैंने फॉर्मूला ऊपर भी पेस्ट कर दिया, ऊपर इसलिए कर रहा हूं कि देख रहा हूं कि ऊपर वाले में तो कहीं एरर नहीं आ रही हमारे किसी पैटर्न में, तो नहीं आ रही। अब एक और चीज देख रहे हैं कि यहां पे जीरो आ जा रहा है जहां कुछ नहीं है, मैं ये भी नहीं दिखाना चाहता, तो जीरो के लिए क्या करेंगे, इफ एरर नहीं, इफ एरर नहीं करेंगे क्योंकि यहां जीरो आ रहा है ना सर,
जीरो के लिए नॉर्मल इफ का फॉर्मूला लगेगा कि इफ अगर ये इक्वल टू जीरो है, ये पूरा फॉर्मूला अगर जीरो प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस फॉर्मूले को मैं दोबारा लगाना नहीं चाहता, तो यहां से कॉपी कर लेता हूं क्योंकि ये लॉजिकल टेस्ट में हो गया कि ये जीरो है। तो वैल्यू इफ ट्रू में क्या करना है, अगर जीरो आए तो यहां ब्लैंक दिखाना है, अदरवाइज ये फॉर्मूला पूरा चलने देना है। ठीक है जी? अच्छा, सही है। या अब इसी फॉर्मूले के ऊपर तक कॉपी कर देंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि कुछ भी डालूंगा मैं वो उस पर चलेगा। ठीक है जी, जबरदस्त। ठीक है सर, एकदम मस्त। तो ये आपका हो गया बड़े फॉर्मूले कैसे लगाने हैं टेक्स्ट के अंदर। ठीक है जी, कोई भी फॉर्मूला कितने बड़े तक जा सकता है, लॉजिक के ऊपर बात है उसकी। ठीक है सर, एकदम मस्त। अब आगे देखते हैं, देखते हैं कोई और फॉर्मूला बचा है टेक्स्ट में। बहुत सारे बचे हैं। अब किसी भी कैरेक्टर को रिप्लेस करना है। ठीक है जी, नीचे चल। रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस, दो फंक्शन है। या तो पहला देखते हैं, जैसे ये ले लेता हूं मैं, रिप्लेस को यूज करते हैं। रिप्लेस में मांग रहा ओल्ड टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट क्या है, स्टार्ट नंबर, मतलब कहां से रिप्लेस करना है। मैं चाहता हूं ए को बदल के ओ में करना, तो ये ए जो है सेकंड पोजीशन पे है, तो मैंने दो लिख दिया। ठीक है जी, कितने कैरेक्टर चेंज करने हैं, कहता हूं एक ही कैरेक्टर चेंज करना है। ठीक है जी, खाली ए ही चेंज करना है। अगर ए एन को करके मैंने ट्रिपल ई लगाना था, तो वो उसके लिए मैं दो कैरेक्टर यहां दे देता। अब नया टेक्स्ट, उसकी जगह क्या आना है, मैंने कहा ओ आना है, न्यू टेक्स्ट। ठीक है जी, मान लीजिए ए एन को करके मुझे ओ लाना था, तो मैं यहां से दो कैरेक्टर लिखूंगा, ये दो कैरेक्टर चेंज होंगे। ठीक है जी, नया टेक्स्ट, तो एन चला जाएगा, ए एन को छोड़ के ओ आ गया। ठीक है जी, ये तो हो गया इंडेक्स पोजीशनिंग वाला सिस्टम। ठीक है जी, जो थोड़ा कैलकुलेटिव इजी, इसमें है सब्स्टिट्यूट कि टेक्स्ट क्या है। अब इसमें चीज आ रही है टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट। तो टेक्स्ट ये हो गया, ओल्ड टेक्स्ट मैंने बताया ए है, और न्यू टेक्स्ट मैंने बताया ओ है। ठीक है जी, तो ए ओ से चेंज हो गया। इसी में दूसरी चीज देखते हैं, ई चेंज किया, मान लीजिए मैंने ई को ओ से चेंज किया, तो ई इसमें दो बार आ रहा है, तो दोनों बार चेंज हो गया। ठीक है जी, मैं ये चाह रहा था कि खाली दूसरा वाला जो ई है वो चेंज हो, तो यहां पे एक और ऑप्शनल था, इंस्टांस नंबर, मतलब जो उसका रिपीटेशन नंबर है ना, कौन से नंबर वाली वैल्यू चेंज होनी है, तो मैंने कहा दूसरी वाली चेंज होनी, तो ये क्या किया, दूसरे में चेंज किया। ठीक है सर, पहली वाली चेंज करनी होती तो वन दे देता, पहली वाली चेंज। ठीक है सर, या देन आगे चलते हैं। ट्रिम,
मान लीजिए कहीं से लिखाया आगे मेरा स्पेस लग गया, पीछे स्पेस लग गया, तो जितने ये वाइट स्पेसेस होते हैं ना, ब्लैंक स्पेस जो किसी भी टेक्स्ट के आगे या पीछे आ रहे होते हैं, ट्रिम उनको ट्रिम कर देता है। लेन से देखते हैं 9, जबकि 7 का है, पर स्पेस की वजह से 9 दिखा रहा है। अगर मैं इसको ट्रिम के अंदर ले लूं तो क्या होगा, अब लेंथ चेक करूंगा तो 7, ठीक है, आगे पीछे के स्पेस हटा देगा, बीच का नहीं हटाएगा। मान लीजिए यहाँ पे सिंग और लिखा होता और स्पेस होता, तो ये बीच का नहीं हटाएगा, आगे पीछे के हटाएगा। कई बार क्या होता है कि जैसे हमने बताया कि चेक नंबर लिखते हैं तो अपोस्ट्रॉफी के जरिए लिखते हैं, आगे 0 है, और इसमें अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें तो कुछ नहीं हो सकता, मतलब अभी हो रहा है पर कई बार मान लीजिए नहीं होता, ठीक है जी। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, वैल्यू का फॉर्मूला यूज करते हैं, कोई भी टेक्स्ट को इसके अंदर डालेंगे तो न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है जी। Then, आपके पास कुछ नंबर है, कुछ टेक्स्ट है, आप नंबर और टेक्स्ट को अलग अलग करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है टी। टी के अंदर जो रेफरेंस देंगे ये क्या करेगा, नंबर जहां होंगे वहां कुछ नहीं दिखाएगा, पर जहां टेक्स्ट होंगे वो टेक्स्ट दिखा देगा, तो टेक्स्ट अलग हो गए। एक फॉर्मूला एन नंबर के लिए, तो जहां एन का फॉर्मूला देंगे आप, जहां नंबर होगा वहां नंबर दिखा देगा, पर जहां टेक्स्ट होगा वहां दिखा देगा 0, ठीक है जी। मान लीजिए मुझे वैसे ही दिखाना है या 0 नहीं दिखाना है, 0 की जगह ब्लैंक दिखाना है, तो अपना एफ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि अगर ये इक्वल टू 0 है देन क्या करें, ब्लैंक दिखा दे, अदरवाइज यही फॉर्मूला चला दे, ठीक है जी। ये ड्रैग करेंगे तो सेम, नंबर अलग हो गए, टेक्स्ट अलग हो गए, ठीक है सर। या अभी ये टेक्स्ट का खत्म हो गया नहीं? हाँ जी सर, अभी एक फॉर्मूला रह गया, बाकी जो टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट का फिर खत्म हो जाएगा। टेक्स्ट में और देखें तो एक फॉर्मूला बचा है टेक्स्ट का। टेक्स्ट का जो भी फॉर्मूला डिपेंडेंट है, एक उसके नंबर फॉर्मेटिंग पे डिपेंडेंट है, तो इसके लिए आपका नंबर फॉर्मेटिंग को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। अब आपको एक सिंपल सी चीज दिखाता हूं, जैसे ये डेट है, ठीक है जी, इसको मैंने क्या किया, एक प्रॉपर फॉर्मेट में दे दिया, यहां से डेट मैंने ये वाला दे दिया फॉर्मेट, तो ये वाला फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट है। अब मुझे टेक्स्ट के फॉर्मूला को बताऊंगा कि यही चाहिए तो कैसे चाहिए, कैसे बताऊंगा, उसके लिए मुझे इन कोड्स का पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब क्या लगाऊं इसमें तो पता ही नहीं पड़ रहा है, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो इसकी एक घंटे की क्लास है वो अटेंड कीजिए, अदरवाइज मैं आपको शॉर्टकट रेफरेंस दे दे रहा हूं उससे समझिए, क्योंकि एक्सेल में फॉर्मेटिंग को समझना बहुत जरूरी है, नंबर फॉर्मेटिंग, ठीक है जी। रेफरेंस में दिखाता हूं, यहां पे आप F1 प्रेस करेंगे तो हेल्प विंडो खुलेगी, यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट, कस्टम नंबर फॉर्मेट, इसको हम सर्च करेंगे ऑनलाइन में, ठीक है जी। दो पार्ट है हेल्प के, एक तो कंटेंट फ्रॉम दिस कंप्यूटर है, तो लोकल रेफरेंस है, ये आपको मिलेगा ऑनलाइन। ऑल एक्सेल सिलेक्ट कर लिया मैंने,
कस्टम फॉर्मेट खाली करके सर्च कर लेते हैं। क्रिएट ए डिलीट कस्टम नंबर फॉर्मेट। तो इसमें जो है ये आपको समझने बहुत जरूरी है नंबर फॉर्मेट। इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि कौन सा कोड किसके लिए होता है, ठीक है जी। अगर इसको ऐसे डिस्प्ले कराना है तो क्या कोड लगेगा, हर एक चीज, हर एक कोड का क्या मतलब होता है यहाँ पे। देन मोस्टली देखने वाले हैं डेट और टाइम के। तो डेट में सिंगल एम का क्या मतलब होता है, डबल का, ट्रिपल का, चार बार एम डाला, किस को कैसे डिस्प्ले करना है। मंथ को अगर इस तरह से डिस्प्ले करना है तो सिंगल एम लगेगा, ठीक है, इस तरह के कोड। टाइम का इसी तरह कैसे, टाइम को कैसे डिस्प्ले करना है तो कौन सा फॉर्मेट लगेगा, कस्टम नंबर फॉर्मेट, ठीक है जी। तो ये इसको आप पढ़ लीजिएगा, आप कहेंगे तो मैं इसकी क्लास दे दूंगा खुद। टेक्स्ट का फॉर्मूला उसी में यूज होता है, ठीक है जी। आई थिंक ओके, जरूरत नहीं अभी तो। हाँ तो मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, जैसे आप, मैंने कल किया था कि डेट्स थी मेरे पास, मैंने मंथ निकाल दिया था। तो टेक्स्ट यहाँ पे मुझे खाली मंथ चाहिए, अप्रैल फुल मंथ नेम इसका, तो चार बार एम लगाऊंगा। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो फॉर्मेट दे देते हैं हम और वो वैल्यू आपको निकाल कर दे देता, ठीक है जी। टेक्स्ट का फॉर्मूला इसी काम आता है। और टेक्स्ट का फॉर्मूला, जैसे अब मुझे ईयर भी चाहिए साथ में, तो मैं क्या कर दूंगा, डैश करके चार बार वाई कर दूंगा, ठीक है जी। कोई भी डेट डालूंगा ये उसका मुझे दिखा देगा, जैसे 1 जनवरी 2013 तो जनवरी 2013 मुझे खुद दिखा रहा है, ठीक है जी। तो टेक्स्ट का फॉर्मूला किसी भी कस्टम नंबर फॉर्मेट को टेक्स्ट में बदलने के काम आता है। ये हालांकि इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बगैर उसके काफी सारे आपके एक्सेल के काम रुक जाएंगे। डेट टाइम की कैलकुलेशन जो है वो आपकी इसी पर डिपेंड करती है फॉर्मेट्स, ठीक है जी। अब इसके बाद करते हैं, अपने पास जो फॉर्मूला बचे हैं वो मैथमेटिक्स बचा है, डेट टाइम बचा है, मैथमेटिक्स, डेट टाइम, फाइनेंशियल फॉर्मूला, इंफॉर्मेशन डेटाबेस और एरे फॉर्मूला। थोड़ा टॉपिक चेंज करेंगे, हाँ जैसा बोले। ये एक्सेल शीट में सब असेंबली करते ना, बाजू 1 2 3 बोल के दिखाता था, तो आप प्लस को क्लिक करने से बड़ा होता, फिर माइनस करने से छोटा होता, वो बाजू एक्सेल के बाजू ही 1 2 3 4 वैसे आते, देखो ऊपर वो सब टोटल। हाँ सब टोटल, सब टोटल। अच्छा आपको वो करना है सब टोटल, चलिए मैं दिखा देता हूं इसके बारे में। 2000 लाइन की शीट है समझो, तो उसको सब डिवाइड करके एक्सपैंड और क्लोज कर सकते ना। हाँ जी हाँ जी, वो तो देखिए सब टोटल तो जब यूज करते हैं इसकी जगह, तो वैसे मोस्टली लोग क्या करते हैं, पाइवट टेबल यूज करते हैं, पर जैसे कभी छोटे मोटे काम में इसको भी यूज कर लिया जाता है। मोस्टली वही काम करेगा जो आपका पाइवट टेबल कर रहा है, पर ये थोड़ा सा लिमिटेड होता है। इसके लिए कुछ आपको डेटा दिखाता हूँ, वही जो पाइवट वाला डेटा था उसको ले लेता हूँ। अब जैसे हमें डेटा एक्सपोर्ट करना है किसी फाइल से, तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इसके अंदर, जैसा कि मैंने दिखाया था कनेक्शन से। यहां से मैंने पाइवट डेटा का जो था बना रखा था, पाइवट डेटा शीट टेबल में ले लेता हूं डेटा। अच्छा अभी नहीं ले रहा, तो एग्जिस्टिंग कनेक्शन से मैं ऐड कर लेता हूं, ब्राउज फॉर मोर, डेस्कटॉप पाइवट डेटा, क्लोज। अब एग्जिस्टिंग कनेक्शन में पाइवट डेटा आ गया,
ओपन टेबल, तो ये क्या है मुझे पूरा डेटा दे दिया उस फाइल का, ठीक है जी। अब इसमें डेट फॉर्मेट थोड़ा सा सेट कर लेता हूं। अब मान लीजिए मुझे हर एक एम्प्लॉय का टोटल सेल दिखाना है, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है कि ये पहले आपकी जो लिस्ट है वो सॉर्टेड होनी चाहिए, सब टोटल यूज करने से पहले, ये इसकी प्री रिक्वेस्ट चीज है, जरूर जरूर सॉर्ट होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, नेम को सॉर्ट कर लेता हूं, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, सब टोटल यूज करूंगा, और सब टोटल का ऑप्शन जो है मेरे ख्याल से टेबल के अंदर चलता नहीं है। तो टेबल को आप दो चीजें कर सकते हैं, अभी ये लिंक्ड है तो मैं अनलिंक कर देता हूं पहले, तो इसको यहाँ टेबल से डिजाइन से कन्वर्ट टू रेंज जब करूंगा मैं इसको, तो क्या ये टेबल से नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा। टेबल और डेटा में क्या फर्क होता है, क्लोज हो गया, शिट सारा डेटा लॉस्ट हो गया। देखते हैं सर, क्या पता अपना डेटा मिल जाए, फॉर्मूला ग्रुपिंग सेव, सेव में जाएंगे वहां पे देखते हैं, किसी लोकेशन पे हमारी ऑटो रिकवर फाइल होती है, क्या पता किस्मत सही हो तो मिल जाए। एक्सेल शटडाउन हो गया सर, वो डेटा लॉस्ट हो गया। चलिए कोई नहीं, मैं कुछ आपको रिकॉर्डिंग देख के तो वो देख ही सकते हैं उसमें। मैं कह रहा था इसमें हम डेटा को फिर से लाते हैं, कनेक्शन बनाता हूं, ये मेरे पास वैसे ऑलरेडी है, टेबल में डेटा ले आया। कन्वर्ट टू रेंज करने से पहले मैं दिखा दूं कि जब मैं इसको नीचे जाता हूं, स्क्रॉल डाउन करता हूं, तो ये हेडिंग जो है ना इस पे चढ़ जाती है, जहां एबीसीडी लिखा होता है। तो अगर ऐसा हो तो समझ लीजिए ये टेबल है, टेबल का नाम यहाँ लिखा हुआ। कन्वर्ट टू रेंज करूंगा तो ये नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट हो गया, अब नहीं हो रहा। अब मैं इसको, पहली चीज मुझे नेम सॉर्ट करना है, तो नेम को मैंने सॉर्ट कर लिया, ठीक है जी, नेम सॉर्ट हो गया। अब मैं अपना डेटा में जाके सब टोटल यूज कर सकता हूँ, तो सब टोटल पे क्लिक करूंगा, एड ईच चेंज इन, अभी दिखा रहा है डेट, इसकी जगह मैं क्या करूंगा, नेम सिलेक्ट करूंगा, कि जैसे ही नेम चेंज हो, सम का फंक्शन यूज करे, सम की जगह आप काउंट, एवरेज, मिनिमम, प्रोडक्ट ये भी यूज कर सकते हैं, और क्या क्या टोटल करे, सेल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ओके करूंगा। पहला जैसे अभिषेक का टोटल दिखा दिया इसमें, हाँ ये 1, 2, 3 देन हरी बोल रहा था, ठीक है जी, उन्हीं का दिखा दिया जहां पे मैं चाह रहा था, जहां मैंने टिक लगाया था, ये रहा 1, 2, 3 जो आप कह रहे थे, या ठीक है जी। हाँ तो फर्स्ट टैब में क्या रहता, सेकंड टैब में क्या रहता, थर्ड टैब में क्या रहता, फर्स्ट में आपका ग्रैंड टोटल रहता है, सेकंड में आपका सब टोटल रहता है, थर्ड में आपका फुल डेटा रहता है, ठीक है सर। ये 1, 2, 3 कितना दूर तक जा सकता है, इतना ही होता है सर। अच्छा, इसमें मैं आपको और चीजें दिखाता हूँ अभी। हाँ इसमें सब कुछ दिखा हुई है, सब टोटल में क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या कर सकते हैं, जैसे शो डिटेल, हाइट डिटेल यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे जो है ना प्लस माइनस के साइन है, तो यहाँ हम कर सकते हैं, हर एक का लेवल है लिखा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ प्लस,
तो हम प्लस 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 कर सकते हैं इधर, और यहां से भी कर सकते हैं, जैसे क्लिक होगा हाइट डिटेल, हाइट डिटेल, तो यहां से प्लस माइनस इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी इसको मैं क्या करता हूं, इसको रिमूव करता हूं। सब टोटल के एक्चुअली पार्ट हैं, ग्रुप अनग्रुप सब टोटल, जैसे प्राइवेट टेबल में ग्रुप करते हैं इसी तरह से इसमें भी ग्रुप अनग्रुप कर सकते हैं। रिमूव ऑल कर देता हूं तो मेरा डेटा आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर डेटा को ग्रुप करना है, तो इसको पकड़ के मैंने ये डेटा ग्रुप करना है, तो यहां तक सिलेक्ट किया और यहां से ग्रुप कर दिया, ग्रुप रोज। तो शो हाइट डिटेल मैं यहां से कर सकता हूं, हाइट। ठीक है जी, फिर इसके अंदर क्या किया मैंने, इतना डेटा और हाइड कर दिया, सेकंड ग्रुप बना दिया, तो ये सेकंड ग्रुप आ गया। ठीक है जी, एक तरह से ग्रुपिंग हो जाती है। अब इसमें मैंने देख रहा हूं रेंज ये है, उसके बाद मैंने इन दोनों को कर दिया ग्रुप, तो कितना भी आप कर सकते हो, एक दो तीन चार। ठीक है सर, ज्यादा कुछ नहीं है वैसे इसमें, अनग्रुप करना है अनग्रुप कर दीजिए यहां से। अनग्रुप क्लोज, अनग्रुप क्लोज, अनग्रुप, अनग्रुप हो गया डेटा। ठीक है सर, सिर्फ इसीलिए होता है, ध्यान क्या रखना पड़ता है सब टोटल में, बस कि आपकी वैल्यू सॉर्टेड होनी चाहिए। अगर आपको सिटी वाइज करना है तो सिटी सॉर्टेड होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है, देखिए क्या होता है। जैसे मैं इसमें नहीं कर रहा, लगा रहा हूं, मैं सिटी पे लगाया, सम लगा दिया, क्या हुआ ये हर एक सिटी के लिए अलग अलग दिखाने लगा, अगर सॉर्टेड नहीं होगी तो क्या होगा। ठीक है सर, और बताइए सर, अभी आप जो भी फॉर्मूले बड़े बड़े बना रहे थे ना, हाँ जी हाँ जी, वो शीट, एक शीट दूसरे शीट तीसरी शीट में इंटरलिंक्ड रहते हैं ना? हाँ, फॉर्मूले आप किसी भी शीट में, बल्कि फाइल से भी लगा सकते हैं, किसी और फाइल से भी लगा सकते हैं। मेरे को शीट्स का इंटरलिंक का एक वैसा कुछ एक्सप्लेन कर दे क्या? हाँ जी हाँ जी, मैं शीट का भी दिखा देता हूँ, फाइल का भी दिखा देता हूँ। हाँ, अब जैसे आपने देखा कि हम जो भी कर रहे थे शीट में, जैसे मुझे शीट वन से लिंक चाहिए, जो चीज ध्यान में रखने वाली होती है वो मैं दिखा देता हूँ। शीट वन से मुझे ये नेम चाहिए, ठीक है जी, तो यहाँ ये नेम आ गया, पर इसके आगे जो प्रीफिक्स लगता है वो ये है, शीट वन साइन अप एक्सक्लेमेशन। ठीक है जी, और एड्रेस, तो जो भी डॉलर वॉलर लगता है खाली इसमें लगता है, शीट तो ऐसे हो गई। ठीक है जी, शीट का नाम और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये कैसा है, ये शीट वन में था, डाटा शीट वन में है क्या? हाँ जी हाँ, तो जब भी हमें लिखना हो कैसे लिखेंगे, शीट का नाम वन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और एड्रेस सेल का। अच्छा ठीक है जी, वो एड्रेस सेल का जाके शीट वन में सिलेक्ट नहीं कर सकते क्या? शीट वन में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं सर, इक्वल टू करके आप उधर से सिलेक्ट कर लीजिए, पर मैं आपको मैनुअल भी बता दे रहा हूँ। ओके ओके, ठीक है जी, क्योंकि ये समझ में आना जरूरी है, बाई चांस आपको फॉर्मूले से कोई चेंजिंग करनी है तो यहाँ से कर। बेशक, ठीक है जी, आपको याद होगा मैंने इनडायरेक्ट का फॉर्मूला बताया था आपको। हाँ ठीक है जी, तो इनडायरेक्ट का फॉर्मूला ऐसे ही एड्रेस क्रिएशन में यूज होता है। जैसे मैंने क्या किया, शीट वन, और यहां पे शीट्स के नाम डाल दिए,
छह तक की सीट है, छह तक ही ले लेते। इसको एक वही डेटा वैलिडेशन, ये बार बार आपको लिस्ट का ऑप्शन इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आप यूज कर सकते हैं ऑटोमेशन की। एक ही इसमें डाल दिए मैंने ये लिस्ट वैल्यूएशन। इसको जब भी यूज करते हैं सर लिस्ट को, इसको छुपा के कहीं और रख देते हैं, या तो सबसे नीचे रख दीजिए या सबसे कोने में रख दीजिए। तो यहाँ देखा मैंने शीट मेरी आने लगी। अब मुझे एक एड्रेस बनाना है कि सबका A1 में जो जो भी वैल्यू हो वो यहाँ पे आनी चाहिए। तो क्या करूंगा, इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा। ये टेक्स्ट है, इनडायरेक्ट का फॉर्मूला टेक्स्ट को एड्रेस में करता है। तो ये लगाया, कंकैटिनेट किया, और इसमें हमें क्या चाहिए होता है शीट नेम के बाद, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। देन A1 का डाटा मैं बात कर रहा हूं, ठीक है जी। शीट नेम जो है इस ड्रॉप डाउन से ले लेगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देता हूं, देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। तो शीट वन के A1 में क्या वैल्यू है, डेट। शीट टू में क्या वैल्यू है, हेलो। शीट थ्री में थ्री कर देता हूं, फोर में फोर कर देता हूं, फाइव में फाइव कर देता हूं। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं। तो जैसे ही मैं चेंज करूंगा ये वहां की वैल्यू मुझे दिखाना शुरू हो जाएगा। एक बार इनडायरेक्ट का फॉर्मूला फिर से, एक बार इनडायरेक्ट का फॉर्मूला फिर से बोलो ना, भूल गया मैं। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का फॉर्मूला सर क्या होता है, टेक्स्ट को ना एड्रेस में चेंज कर देता है। अब जैसे मैं इक्वल टू करके A1 लिखता हूं तो इसका मतलब होता है एड्रेस, ठीक है जी। इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा है मैंने, रेफरेंस। ये एड्रेसेस है सच एज वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को क्या करते हैं विदाउट इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं। पर कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है कि जैसे ये टेक्स्ट है लिखा हुआ है, अब टेक्स्ट की क्या पहचान है, या तो हम किसी यहां से लेंगे तो इसकी वैल्यू उठाएगा, ठीक है जी, G6 की वैल्यू उठाएगा या इसकी वैल्यू उठाएगा, ठीक है जी। तो वो इसके अंदर वाली वैल्यू एक्सेस होगी, एड्रेस तो G5 हुआ, तो बाय चांस मुझे ये करना है कि यहां पे कोई एड्रेस लिखा है उसको यूज करना है। सचेत मैंने लिख दिया A1। अब A1 को यूज करने के लिए मुझे इनडायरेक्ट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि इसके अंदर की वैल्यू को एड्रेस में कन्वर्ट कर दे, ठीक है जी। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। अब A1 का डायरेक्ट यहाँ दिखा रहा है, ओके इनडायरेक्ट, ओके 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 समझ गया, ठीक है जी। तो A1 को A2 में कर दूंगा तो ये टेक्स्ट को उसमें कर देता, ठीक है जी। या, समझ गया। इसी तरह से मैं शीट 5 को कन्वर्ट कर पाया कि ये हर एक शीट का डेटा दिखा, कंकैटिनेशन को, समझे ना। या समझ गया समझ गया। ऑटोमेशन में ये चीज भी बहुत जरूरी है। अब तो आपने देखा जैसे हम शीट को यूज कर रहे थे, अब फाइल को कैसे यूज करेंगे। एक और फाइल खोल लेता हूं मैं, पाइवट डेटा की फाइल खोल लेता हूं, यहां से किसी का लिंक देता हूं। यहां पे मैं क्या करता हूं, इक्वल टू लगा के ये लिंक दिया मैंने, ठीक है जी। अब ये लिंक हो गया, अब देखिए कैसे कर रहा है। बड़े ब्रैकेट के अंदर जो होता है फाइल का नाम आता है विद एक्सटेंशन, पाइवट डेटा डॉट xlsm बड़े ब्रैकेट में। बट इसमें एक भी चीज, एक चीज और देखिए, ये सिंगल कोट दिखा रहा है, अपोस्ट्रोफी का साइन जो होता है वो दिखा रहा है। ये कब जरूरत पड़ती है कि जब आपके डेटा में कहीं भी स्पेस होता है, तो आपको उसे कैसे पता पड़ेगा कि ये उसी का पार्ट है। तो उसके लिए ऐसे डेटा में आगे हम जो लगा देते हैं वो सिंगल क्वेट लगा देते हैं शीट तक में, ठीक है जी। बड़े ब्रैकेट में जो आया फाइल का नेम आया विद एक्सटेंशन, देन शीट का नाम आया अपोस्ट्रोफी लगा के, फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और देन एड्रेस, ठीक है। तो जो चीज मैंने यहाँ इनडायरेक्ट से करके दिखाई वही चीज हम फाइल्स में भी कर सकते हैं कि एक फाइल बना सकते हैं कंसोलिडेशन। आपकी 50 फाइलें एक ही जगह हमने नाम उनका लोड कर लिया और बस
क्लिक करते जाने और डाटा वहीं से आ रहा है। ठीक है जी, और बताइए सर। तो एक शीट्स का एक बड़ा इंटर रिलेशन वाला एक बड़ा फॉर्मूला लिखो ना एटलीस्ट थोड़ा बड़ा। देखिए फॉर्मूला तो यही होता है, अब मुझे शीट से अब वी लुकअप लगा सकता हूं मैं। हाँ वी लुकअप वैसा कुछ लगा के करो यार। अब जैसे कि इसमें से मैं यही उठाता हूँ, सिंपल वी लुकअप लगा रहा हूं, तो नेम जो है मेरा यहाँ पे होगा, इनकी सेल्स मुझे जनरेट करानी है, तो नेम मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे वी लुकअप से ये लेनी है। इसमें कुछ नहीं है सर, सिलेक्ट किया और फिर उस शीट पे चले गए, बस इसमें क्या है कि आपको फॉर्मूला छोड़ना नहीं है, एंटर नहीं दबाना है और फॉर्मूला पे ध्यान रखना है वो क्या हो रहा है। तो पाइवट डेटा में चला गया, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लिक क्लिक से ही करेंगे। देखिए फॉर्मूला यहाँ चल रहा है, हम दूसरी शीट में है, दूसरी फाइल में है, तो इसको छोड़िए मत, यहाँ पे कॉमा लगा के फॉर्मूला आगे कंटिन्यू कीजिए। ठीक है जी, छोड़ देंगे तो यहाँ फॉर्मूला बिगड़ जाएगा। अब मुझे चाहिए सिटी चाहिए, तो मैं दूंगा दो कॉलम इंडेक्स नंबर और जीरो। एक बार फॉर्मूला फिक्स हो गया आपका तो फिर कोई टेंशन नहीं। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला आपका फिट हो गया। जहां हमने रेंज दी थी वहां पे शीट नेम के साथ पूरा पूरा आ गया, फाइल नेम और शीट नेम के साथ। ठीक है सर, खाली क्लिक से भी चलता है। वो टू और जीरो क्या करे समझ में नहीं आया मेरे को। टू सर देखिए यहाँ पे सिटी चाहिए थी। ठीक है जी, हाँ मैंने डेटा क्या सिलेक्ट किया, नेम से लेकर इतना डेटा सिलेक्ट किया, तो पहला कॉलम इंडेक्स था मेरा वो नेम था, सेकंड कॉलम इंडेक्स मेरा सिटी था। ठीक है जी, तो उसके टू दिया। उसके बाद मैंने बताया था रेंज लुकअप जो होता है ट्रू फॉल्स या वन या जीरो देना होता है, अच्छा, तो हमेशा या जीरो या फॉल्स देते हैं। ठीक है सर, अब मैंने ड्रैग कर रहा है, खाली कॉलम इंडेक्स ही चेंज करना है। ड्रैग करने से पहले मैंने ये वाला तो लॉक्ड है, यहाँ इसको लॉक। ठीक है जी, यहाँ पे है थ्री और कॉलम इंडेक्स चेंज करना है, बाकी सेम। तो आप इतना ही देख लीजिए, ये आपका चल गया। ठीक है सर, सही, कोई इतना मतलब बड़ा इशू नहीं है, ये सब हो जाता है। बस इतना समझ के इसका फॉर्मेट क्या है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि आप किसी और का फॉर्मूला देखेंगे ना तो उसका मतलब क्या है हर एक का आपको पता होना चाहिए। या उतना ही चाहिए या। ठीक है सर, बाकी मैं एक ऐसा करूंगा, मेरी एक स्पेशल रिकॉर्डिंग होगी जिसमें मैं पूरा का पूरा वो एक डेढ़ घंटे की है वो आपको पैसे दे दूंगा, जिसमें मैंने अपना वो अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया था, जिसमें पूरा का पूरा इसको बनाने का तरीका है। ठीक है जी, ओके। इसमें आपका ये करेंगे तो आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर्मूला ये सब रिफ्रेश हो जाएगा, डेटा वैलिडेशन। ओके, और देखिए यार टेक्स्ट का फॉर्मूला भी मैंने कंकेटिनेट करके यूज कर रखा है उसी फॉर्मेट। देखिए नंबर फॉर्मेटिंग हर जगह यूज हो रही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको भी आप मतलब नजरअंदाज मत कीजिएगा अगर एक्सेल में अच्छी तरह से जानना चाहते हो, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब कहेंगे तो ना मैं ऐसा करूंगा आपको उसकी लाइव क्लास तो नहीं बट उसके रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा। ठीक है सर, श्योर श्योर, वो आपके लिए हेल्प हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं ना, मेरी यूट्यूब पे जाके मेरी जो वीडियोस हैं उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी ऑलमोस्ट सारी रिकॉर्डिंग आपको मालूम। ठीक है जी, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे संदीप एक्सेल डालेंगे
या मेरी जो लिंक भेजता हूँ उसको खोलेंगे तो मेरा वो आ जाएगा, कोई भी जो मेरी रिकॉर्डिंग होती है उसमें नीचे सब्सक्राइब का होता है ये, ठीक है जी, इसमें सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी अपडेट आपको मिलती रहेगी, ठीक है जी, जो जो रिकॉर्डिंग आ रही होंगी तो आपके आगे के लिए भी फायदा हो जाएगा आपको। मेरी वीडियो देखनी है फिर संदीप सिंह में यहाँ चले जाइए, यूजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वीडियोज है, ठीक है जी, यहाँ वीडियोज पे क्लिक करेंगे तो ये मेरी सारी वीडियोज है, किसी किसी में दिया हुआ है कि क्या क्या है, किसी में नहीं दिया हुआ, आपको मोस्टली बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, सारी हिंदी में, कुछ एक इंग्लिश में भी हो सकती है, ठीक है सर। सही है यार, आज के लिए बस, आज जैसा आप चाहें, ठीक हाँ, है, पर मेरे को पहला मेरा ये क्वेश्चन आंसर करो आप। हाँ जी, MS Access सीखने के लिए मेरे को VB प्रोग्रामिंग चाहिए।